अब बात उन शूरवीरों की जो सरहद की रक्षा करते करते शहीद हो गए। पाकिस्तान की गोलीबारी में कल यूपी के दो जवानों ने अपने प्राणों की शहादत दी। देवरिया के सत्यनारायण यादव और फतेहपुर के बीएसएफ जवान विजय पांडे देश के लिए कुर्बान हो गए। आज इनके पार्थिव शरीर इनके घर ला जाएंगे। शहीदों के परिवार पाकिस्तान से अब बदले की मांग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए जवान सत्यनारायण की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में खाट पर जो महिला बेसुध दिख रही हैं, वो जम्मू कश्मीर के अखनूर में शहीद हुए सत्यनारायण यादव की पत्नी हैं। शहादत की खबर मिलते ही पूरा परिवार सदमे में आ गया है। जवाबी करवानी होना चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, जवाबी करवानी होनी चाहिए। जैसे मारे गए उसे लोग को मरना चाहिए। शहीद सत्यनारायण यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। उनके गांव बैदाबास पार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। छोटा बेटा राजेश अभी हाई स्कूल में पढ़ता है। 3 महीने पहले जब सत्यनारायण घर आए थे तो उन्होंने बेटे को पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी थी। मैं भी चाहता हूं कि देश के लिए मैं भी जाकर उन दरिंदों को जिसने मेरे पिता को मारा है उनको मैं मार सकूँ। और मेरी सरकार से यही विनती है कि जो दरिंदे मेरे फादर पिता को मारे हैं उनको सरकार सजा दे। शहीद सत्यनारायण अपने पीछे पत्नी 3 बेटे 1 बेटी बुजुर्ग पिता को छोड़ गए हैं। पिता को उम्मीद थी कि इकलौता बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन काल के क्रूर हाथों ने उनके बेटे को छीन लिया। ये हमारा एक लड़का है, देशघाती शहीद हो गया, जैसा सरकार हुकुम होगा। पूरा गांव इस वक्त दुख में डूबा है। गांव वालों को जहां अपने बहादुर बेटे पर गर्व है, वहीं उसके शहीद हो जाने का गम भी है। लोग मारे जा रहे हैं और सरकार चुप है। हम सरकार से मांग करेंगे कि जो शहीद हो रहे हैं उन शहीदों के बदला को मन से लिया जाए। पूरा गांव शहीद सत्यनारायण यादव के परिवार वालों के साथ है। गाँव वालों का आरोप है कि ना तो जिला प्रशासन और ना ही सरकार में मौजूद कोई नेता गाँव आया है। और देश के लिए कुर्बान हुए इन शहीदों को एबीपी न्यूज का सलाम। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।